गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माइसेल्फ डॉक्टर बी एल कुमाउत, एक्स प्रोफेसर, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच द पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ पॉट्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सल्फर ड्यूटी मैनेजमेंट. दिस इज द कोर्स ऑफ बी एस सी जी इन्फेक्शन सेंटर कोर्स. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस the first better exercise, that is some basic concepts of analytical chemistry. Some basic concepts of analytical chemistry. देखिए, कोई भी chemistry में जब हम करते हैं exercise, titration या कोई determination हो, कोई element है ना, तो उसके कुछ concepts हैं, कुछ basics हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. Now, what the principle of बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. इतना देखिए, द एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और पार्ट ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द डिटरमिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सब्सटेंस. डिटरमिनिंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसमें क्या कंस्टिट्यूएंट है, हम उसको डिटरमाइन करते हैं. आपका दो तरह से होता है. नंबर वन आपका क्वालिटेटिव एंड नंबर टू क्वांटिटेटिव. इन केस ऑफ क्वालिटेटिव इसमें क्या है, इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सब्सटेंस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस एंड the solution in the way in which component element or a group of elements are situated. So this is the analysis of qualitative in nature. Now second is quantitative analysis. ये important है quantitative, क्योंकि हमें element का कितना quantity present है वो हम इसमें निकालते हैं. This is more important. आपके बारे में आप सुनिए, इट इज कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव कंटेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स. आपका एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाइट्रोजन है ना, आप नाइट्रोजन निकाला सॉइल के अंदर, तो हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे निकालते हैं अवेलेबल नाइट्रोजन सॉइल के अंदर, तो उसका जो रेटिंग होता है वो होता है आपका 250 से 500. यानी 250 से कम है तो डिफिशियंट है, 250 से 500 के जी पर है नाइट्रोजन हम कहते हैं ये मीडियम है, और अबव 500 के जी पर है हम कहते हैं ये हाई है. उसमें तीन कैटेगरी होती है, लो, मीडियम एंड हाई. ऐसे ही आपका फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, हर एलिमेंट का एक रेटिंग होता है. तो ये होती है क्वान्टिटी, हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल इज मोर इम्पोर्टेंट. उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको नाइट्रोजन आपने निकाला और आपने जो किया कैलकुलेशन उसका 250 के जी पर एक्टर से कम आया नाइट्रोजन, तो हमें कह सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लो है ना. तो किसान को मेरी रिकमेंडेशन, फार्मर को एडवाइस टू द फार्मर दैट दैट द एन कंटेंट या नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ योर सॉइल इज क्वाइट लो. You are advised to add nitrogen fertilizers to get a proper yield or to get optimum yield. So this kind of quantitative wala is more important as compared to your qualitative approach. इसके अंदर ये जो है आपका, it is important for industry and agriculture. हमें कृषि से बात कर रहे हैं, काफी इसका इम्पोर्टेंट. अब वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस होता है इसमें भी कई होता है, जैसे आपका ग्रे मेट्रिक है, आपका एनालिसिस है, इलेक्ट्रोग्रेमेट्रिक होता है, आपका क्या नाम से ये एपिडोमेट्रिक होता है, आपका पुनः फोटोमेट्रिक होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस होता है, तो अलग अलग होता है. जितने फोटोमीटर है उसके लिए हम निकालते हैं आपका पोटेशियम निकालते हैं, फॉस्फोरस निकालते हैं, है ना. और डबल एज होता है, एटॉमिक
अधिसंस्कृत पोटामीटर हम सिखाते हैं आपके टेस्ट एलिमेंट्स जैसे जिंक कॉपर कॉबाल्ट मैंगनीज है ना, ये चार कैटेगरी जो है हम उसे निकालते हैं। उनका भी रेटिंग अलग होता है, जिंक का क्या रेटिंग है, कॉपर का क्या है, एनएम का क्या है, आयरन का क्या है ना, तो उनका जो क्वांटिटेटिव जो हम करते हैं एनालिसिस उसे ये मालूम करता है कि आपका कितना क्वांटिटी और पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल वेदर वी हैव टू अप्लाई और नॉट। अगर डिफिशिएंट आ रहा है, लो कैटेगरी आ रहा है तो हमें डालना पड़ेगा, मीडियम है तो कुछ डालना पड़ेगा और हाई है तो हमको डालना नहीं पड़ेगा है ना, सो दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप कैन बी फुलफिल्ड बाय द एडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू गेट अ डिजायरेबल यील्ड पोटेंशियल। अब इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बताते हैं, जैसे हम कहते हैं मास एंड वेट है ना, एटम एंड एटॉमिक वेट कैसा रहे इसके अंदर। तो मास एंड वेट क्या है कि मास और सरफेस इज डिफाइंड इज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी। मास जो है किसी एलिमेंट का एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, इसका डेफिनेट गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है विच कैन बी यूज्ड एज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। हम उसका क्वांटिटी प्रयोग में ला सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। द वेट ऑफ ए सब्सटेंस is the force from the interaction of the gravitational field on the surface. Next, we have an atom and atomic weight. Atom is the smallest particle. This is the smallest particle hota hai, of an element which retains its property. Usme sare gun aage, us element ki property and takes part in chemical reaction. और ये केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इसमें इट हैज एक्टिव पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटॉमिक वेट इज द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट, ये आपका एवरेज वेट होता है एटॉमिक वेट, जैसे आपका सोडियम है ना, तो इसका एटॉमिक वेट होगा 23 है ना, हर एलिमेंट का अलग होता है, पोटेंशियल है 39। फिर आप आता है मोलिक्यूल एंड मोलिकुलर वेट, मोलिक्यूल और मोलिकुलर वेट। इसमें क्या है, ये भी क्या है, मोलिक्यूल इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री रहता है ना, फ्री स्टेट। मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, weight of one molecule of the substance relative to the weight of the carbon atom, atom is 12. So carbon has the atom weight of 12. So this is the same thing we can say. Then you have Avogadro number. Avogadro number. What is it? It is the actual number. The actual number of molecules present in one mole. The actual number of molecules present in one mole, in one mole of substance is called Avogadro number. फिर आप आता है equivalent weight. कोई भी आपका जैसे molecular weight है किसी compound का, आप उसमें valence का भाग दीजिए, you will get equivalent weight, है ना? तो इसमें आप देखिए, इसका जो definition है, it is defined as the weight of an element or compound which combines with or displaces from combination 8.00 parts by weight of oxygen, by weight of oxygen. फिर आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये तो है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अरे उनमें काम आता है जैसे फॉस्फोरस है, पोटेशियम है आपका, है ना, ऐसे आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, सल्फर है, कैल्शियम मैग्नीशियम आपका जिंक आयरन कॉपर मैंगनीज इनसे काम आता है। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन द सोल्यूशन ऑफ एक्चुअली नॉन स्ट्रेंथ इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली
declaration non-strength is called that solution. Just imagine, हमने पोटेशियम बनाना सॉल्यूशन है ना, हम लेंगे कंपाउंड के सी एल, वो भी टी आर ग्रेड का, इसमें केमिकल जो होता है तीन कैटेगरी होती है, पहला आपका ए आर, फिर होता है आपका जी आर, फिर होता है आपका एल आर. ए आर का मतलब होता है एनालिटिकल रिएजेंट, ये बहुत एक्सपीड होता है, काफी कॉस्टली होता है, महंगा होता है. नाउ सेकंड इज योर जी आर, हम कहते हैं गारंटेड रिएजेंट. In case we are unable to get AR grade, then we can go for GR. फिर है आपका थर्ड LR, हम इसे कहते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट. ये बहुत सस्ता आता है, इम्प्योर होता है, इसकी एक्यूरेसी नॉट मोर देन 70%. GR की होती है एक्यूरेसी अबाउट 90%, AR का होता है 100%. तो इसमें डिफरेंस कर देंगे, एल आर सस्ता आता है ना, और ये ड्यूटी लेवल पर काम दे देता है. पर जहाँ पर प्रिसाइज डिफिनेशन करना हो, जैसे आपका कोई एम एस सी विद्यार्थी है या पी एच डी का विद्यार्थी है ना, तो ही विल यूज ऑलवेज द ए आर ग्रेड, क्योंकि वी वांट टू टेक ए प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट है ना. इन दैट केस वी विल यूज ए आर ग्रेड. For a rough estimation or determination, we can use LR. Now, to that part, strength of solution. Strength of solution. Strength of a solution refers to the weight of a solute, dissolved in a unit weight of the solution. Unit weight of the solution. It can be expressed in many ways. So, for example, normal solution or normality. This means that the equivalent weight of any substance can be dissolved in water and making volume up to 1 liter is called normal solution. Normal solution is one which contains gram equivalent of active reagent dissolved in 1 liter of the solution. Normality is the number of gram equivalent of substance dissolved in 1 liter of solution. The normality of that number of grams of equivalent of solute upon number of liters of solution. So that the molar solution or molarity, molar solution or molarity. Okay, a molar solution is one which contains a gram molecular weight of the solute dissolved in 1 liter of solution. यानी हम क्या करते हैं कि हम वो वॉल्यूम जो है एलिमेंट नहीं बनाते हैं, हम एलिमेंट अलग लेते हैं, उसके अंदर जो है हम डालते हैं केमिकल या जो कंपाउंड आपका. इट इज नोटेड बाय एम, कैपिटल एम, मोलर. वेयर एज मॉडरेटी इज द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस dissolved in liter of solution. फिर आपका molar solution. Molar, a molar solution is the one which contains a number of gram molecules of substance of solute dissolved in gram of solvent. It's called molar solution. फिर आपका mole solution, mole, mole. It is defined as the ratio of the number of moles of the solute to the total number of more from the solution. Now we come to next, parts per million. I'm going to say ppm, small, small p and small m, parts per million. इसमें क्या होता है? It is the concentration expressed in terms of grams of solute per milliliter of the solution. Grams of the solute per milliliter of the solution or milligram of solute per liter of solution. Thus a solution, an example there, thus a solution containing 10 milligram per liter, it will give 10 ppm solution.
Thus, a solution containing 10 milligram per liter of solute or 10 microgram of solute per milliliter of solution is 10 ppm solution. फिर आपको आता है मिलीक्यूल लेंथ पर लीटर, मिलीक्यूल लेंथ पर लीटर. इसमें क्या है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग मिलीक्यूल लेंथ यानी 1/1000 ग्राम, 1/1000 ग्राम पार्ट इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इन अ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस एज मिलीक्यूल लेंथ पर लीटर. यानी इक्विवेलेंट का 1000 बार वो आपका होगा मिली. तो मिली प्लेन क्या आता है कि 1000 पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस सॉल्यूशन कंटेनिंग मिली प्लेन ऑफ सब्सटेंस यानी 1/1000 ग्राम है ना. उसको आप बोलिए वॉल्यूम बनाइए 1 लीटर मिली प्लेन पर लीटर ऑफ ए सब्सटेंस और कंपाउंड. फिर आप टाइटेशन आता है कि केमिस्ट्री में टाइटेशन बहुत जरूरी है. टाइटेशन it is the process of determining the volume of substance required to just complete the reaction with known amount of other substance. Hame unknown ka nikalna hai by using known. So it is a process of determining the volume of a substance required to just complete the reaction with known amount of other substances. The quantitative analysis, carried out by titration is known as adiabatic analysis. The quantitative analysis carried out by titration is called adiabatic analysis. इसमें दो पार्ट हैं. एक आपका titrate दूसरा टाइट्रेट. नाउ व्हाट इज टाइट्रेट? इज ए टी आर ए एन टी. टाइट्रेट क्या होता है? द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ यूज्ड इन टाइट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेट. द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन स्ट्रेंथ यूज्ड इन टाइट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेट. दूसरा है टाइट्रेट the volumetric analysis are of three types. पहला आपका internal indicator. इसमें क्या होता है कि the indicator added the solution where reaction occurred is called internal indicator. These are divided into three groups according to their use in different types of reaction. पहला है आपका indicators used in acidically neutralization reaction. फिर है आपका number two आपको आता है indicators used in precipitation reactions or number three आता है आपका redox indicators. फिर आपका external indicators. इसमें आप कहते हैं there are certain indicators which are not added to the reacting medium or are kept away from the solution where reaction takes place is called external indicator. फिर आपको पता है सेल्फ इंडिकेटर. सेल्फ अपने आप इंडिकेशन देना. इट इज व्हेन वन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इटसेल्फ एक्ट्स एज द इंडिकेटर इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर. जैसे हम टेस्ट करते हैं केमन ऑफ फोर्स फोर्स से परमानेंट सॉल्यूशन इसमें सेल्फ इंडिकेटर है. इसमें हम इंडिकेटर डालते नहीं है ना. इस एग्जांपल है. फिर आपका एडसॉर्प्शन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग indicators. Yeah. In the titration involving iodine, the starch solution is used as indicator, which forms a complex with 12 that is
a very dark blue color. The color reaction is sensitive to very small amount of iodine. आपका चार सौ डाल दिया आइडियन का सोशन डाल दिए तो वो आपका अगर बिल हो जाएगा ये भी आपका इंडिकेटर है। तो देखो आपका था आयंस एंड आयोनाइजेशन, आयंस एंड आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइट देखो कंपाउंड है जो आपका एनएसीएल है, नमक है ना एनएसीएल, सोडियम क्लोराइड आप पानी में घोलिए तो सोडियम आप अलग हो जाएगा और क्लोराइड आप अलग हो जाएगा। तो सोडियम एंड क्लोराइड दे आर आयंस है ना, and the process by which they are separated is called ionization. That's what I'm saying. Electrolyte, when dissolved in water, instantly break up to form positively and negatively charged fragments is called ions. This is an NaCl compound, sodium chloride, and a panel with gold here. So sodium alag ho jayega, plus charge hai, आपको जो क्लोराइड वो अलग हो जाएगा जो निगेटिव चार्ज है ना। द डिसोसिएशन ऑफ आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मेरा जी हाँ कर दे फर्स्ट ईयर का कंप्लीट